दोस्तों फेसबुक यूज करते हो? बोले नहीं यार फेसबुक तो बहुत पुराना हो गया। इंस्टा यूज करते हो? बोले हाँ यार इंस्टा पे तो रोज रील बनाते हैं। और ट्विटर यूज करते हो? बोले हाँ यार ट्विटर के अंदर तो काफी ज्यादा ट्वीट करते हैं, काफी ज्यादा यू नो वो ट्रोल करते हैं ट्रोल करते हैं सेलिब्रिटीज को ट्रोल करने में जो मजा है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है। रिसेंटली आपने ट्विटर की एक न्यूज तो सुनी होगी, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको तीन ऐप ऐसे बताऊंगा जो 2023 के लिए आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और जो कि होना बहुत जरूरी है एज अ 22 to 23 ईयर ओल्ड। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उत्कर्ष जैन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनॉर्मल गाय पर। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले ऐप की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपको बिना बोले बैन कर देता है या सस्पेंड कर देता है या डिलीट कर देता है या जो भी कर देता है डीएक्टिवेट कर देता है तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा चलो आप बोलोगे कि यार कोई बात नहीं, चलो नया बना भी लेंगे, लेकिन एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसने काफी टाइम से अपनी फॉलोइंग को बड़ा किया है, काफी टाइम से अपनी फॉलोइंग की ग्रोथ की है। जैसे एक यूट्यूबर को ले लो, एक यूट्यूबर बहुत सालों इन्वेस्ट करके वो सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं और अचानक उसके पास एक मेल या फिर कुछ भी आता है जिसके अंदर लिखा होता है योर अकाउंट इज सस्पेंडेड विदाउट गिविंग एनी पर्टिकुलर नोटिस एंड जस्ट सस्पेंडेड, भाई मेरी मर्जी थी मैंने कर दिया, तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों ये बात हो रही है ट्विटर की। मैं मानता हूँ कि एलन मस्क इज अ ग्रेट गाय, मतलब इज अ जीनियस, मतलब अगर लिविंग लेजेंड अगर आप आज के टाइम पे किसी को कह सकते हो तो वो एलन मस्क की है। लेकिन जब से उन्होंने ट्विटर अक्वायर किया है, ट्विटर को अक्वायर करने का उन्होंने रीजन ये बताया था कि वो किसी एक पार्टी का या फिर किसी एक सेगमेंट का डोमिनेशन नहीं चाहते उसके अंदर, वो ये चाहते कि ट्विटर पे फ्री स्पीच को प्रमोट करें, ये वो ये वो उन्होंने सेवरल रीजंस दिए थे। लेकिन अभी आप देखोगे तो ट्विटर की हालत ऐसी हो रखी है। और ट्विटर ने क्या किया, अभी रिसेंटली अगर आपको किस्सा नहीं पता तो मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं। ट्विटर ने क्या किया, एलन मस्क अपने बेटे के साथ कहीं जा रहे थे, तो आपको पता है एलन मस्क काफी फेमस है तो उनको काफी लोग जो है वो फॉलो करते हैं, एक कई ऐसे ट्विटर पे हैंडल्स हैं जो उनकी लोकेशन वगैरह लाइव शेयर करते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ, उनके बेटे के ऊपर जो क्योंकि उन्होंने लाइव लोकेशन शेयर कर रखी थी तो उनके बेटे के साथ कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया, छोटा तो नहीं कहूंगा बट एक इंसिडेंट हो गया। तो उसके अंदर क्या हुआ, ऑब्वियसली मेरे को भी एज अ पेरेंट या फिर किसी को भी एज अ पेरेंट गुस्सा आएगा, तो उन्होंने जिस हैंडल के कारण ये इंसिडेंट हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया। तो यहां तक चलो ठीक है, आप एक बात रीजनेबल कह भी लो, लेकिन फिर एलन मस्क ने जितने भी जर्नलिस्ट या जितने भी लोग थे जो उनको क्रिटिसाइज करते थे या जो कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट को ट्रैक करते थे, जो मतलब थोड़े बहुत रेलिवेंट नहीं भी थे इस केस से, उनका भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया ये बोलकर कि ये जो है मेरी प्राइवेसी को खतरा है, ये वो एक्सेट्रा। तो दोस्तों अब बात ये आ जाती है कि जब ऐसा कुछ होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं क्योंकि प्लेटफॉर्म उसी का है, जो ओनर प्लेटफॉर्म का जो 100% उस प्लेटफॉर्म का ओनर बन चुका है, आप उसके खिलाफ कोई स्टेप तो ले नहीं सकते एज अ नॉर्मल पर्सन। तो दोस्तों इस चीज का सॉल्यूशन तो वैसे तो कुछ नहीं है, बट एक सॉल्यूशन जो मैं आपको दे सकता हूं, इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली ट्विटर का एक ऑल्टरनेटिव, रिसेंट तो नहीं कहूंगा काफी टाइम हो गया इसको आया, लेकिन लोगों की नजरों में ये रिसेंटली आया है और एक काफी अच्छा एक जो ऑल्टरनेटिव है। अब आप बोलोगे अच्छा कैसे भाई, तुझे कैसे पता? तो मुझे पता था कि मुझे ये वीडियो बनाना है तो मैं ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज से बाकी के जो दो ऐप्स हैं वो कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ पास्ट 1 to 1.5 ईयर से या फिर कह लो 2 साल से, लेकिन ये वाला जो ऐप है ये मैं लास्ट 30 डेज से यूज कर रहा हूँ और ये काफी एक अच्छा और पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव है ऑफ ट्विटर। और दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसको खुद इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करती है, काफी जगह इंडियन गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट भी कर रखा है, प्लस अलग अलग देशों के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने बात करके इस ऐप को चलाया है और इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है, आज इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। तो आप इसके अंदर एक तो दोस्तों कभी भी अगर अपन को ग्रोथ चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आप देखोगे जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उस टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिया था जब यूट्यूब को ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे या ज्यादा लोग फेमिलियर भी नहीं थे। इसीलिए अगर अपन कोई नया प्लेटफॉर्म आ रहा है और अगर अपन उसके ऊपर काम करना चालू कर देते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, थोड़े बहुत मतलब ट्वीट्स वगैरह करके या फिर कुछ भी करके उसके अंदर अगर अपन थोड़ी सी अपनी रीच बढ़ा लेते हैं तो वो आगे जाके और ज्यादा मल्टीपल ग्रोथ देती है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो जाती है फिर वो ग्रोथ। तो उसके लिए ये ऐप बहुत अच्छा है। तो अब इतना बिल्डअप देने के बाद इस ऐप का नाम रिवील कर देते हैं, इस ऐप का नाम है कू, बहुत से लोगों ने आप में से सुन भी रखा होगा। तो ये कू जो है ये इंडियन ऑल्टरनेटिव है ऑफ ट्विटर। तो आप बोलोगे कि इंडियन ऑल्टरनेटिव ही क्यों, और भी तो ऑल्टरनेटिव्स होंगे, तो मैंने इस बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि कू के और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, वैसे तो मेस्टोडॉन, डिस्कॉर्ड और चाइना के अंदर चलता है सीना वीबो करके, बट कू को क्यों पर्टिकुलरली चूज करना है वो इसलिए एक तो इसके अंदर अपन वीडियोस, फोटोज और जो भी जो अपन ट्विटर पे कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा काफी सारे फीचर्स हैं जो अभी तक मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किए हैं वो वाले फीचर्स हैं, और दूसरी चीज ये काफी इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, और तीसरी चीज ये क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो इसके अंदर ग्रोथ आना 100% एक तरीके से फिक्स है कि भाई हाँ होना ही है, ग्रोथ तो आ ही रही है और आप इसकी ग्रोथ के नंबर्स चेक भी कर सकते हैं, मतलब काफी अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो इसलिए मैंने इस कू ऐप को चुना है। तो आप फर्स्ट ऐप ये कू एक बार मेरे लिंक से इंस्टॉल कीजिए या फिर आपको प्ले स्टोर पे सीधे जाके क्लिक कर सकते हो, आप इंस्टॉल कीजिए, अकाउंट बनाइए, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं कू को पूरा यूज करने के ऊपर तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं 100% उस चीज को कंसिडर करूँ। सेकंड ऐप जो 2023 में आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है और मेरे को लगता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है,
तो दोस्तों उसका नाम है कुकु एफएम। बोले हैं यार कुकु एफएम तो काफी यूट्यूबर्स ने प्रमोट कर रखा है, तेरे पास भी पैसा आया क्या? मैंने नहीं यार मेरे पास एक्चुअली पैसा तो कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने पैसा छोड़ दिया है इसके अंदर। एफएम मुझे यूज करते हुए ऑलमोस्ट साल से या सवा साल तक हो गया, मतलब 1 to 1.25 ईयर्स हो गए, और अभी अभी इसका रिसेंट सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ था, फिर से मैंने रिन्यू कर लिया। और सच्चे माइंड ब्लोइंग ऐप, मतलब मैं बता नहीं सकता इसकी कितनी तारीफ करूं मैं। इसके अंदर इतनी सारी ऑडियो बुक्स हैं, और आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि आपका टाइम ऐसी जगह खर्च हो रहा है जहां पर नहीं होना चाहिए, जैसे कहीं पे लाइन में वेटिंग करते वक्त, या फिर कहीं आप जा रहे हो और काफी बोरिंग सा कुछ सेमिनार वगैरह है और आपको लगता है कि भाई जबरदस्ती बैठना पड़ेगा, तो वो कुछ भी मतलब ऐसा करते हुए जहां पर आपको लग रहा है कि आप नॉर्मली बैठे हो, वहां पर आप क्योंकि ऑडियो बुक सुन के, और काफी लोग आपसे जानते होंगे कुकु एफएम का कंसेप्ट कैसे काम करता है, तो इसीलिए मैं आपको यह रेकमेंड करना चाहूंगा कुकु एफएम को एक बार यूज जरूर कीजिए। इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट 300 या 400 के अराउंड कुछ होगा, आप देख लेना। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ इट्स एक्चुअली वर्थ इट, मतलब मैंने खुद ने ये सब्सक्रिप्शन यूज किया है, अपने 3-4 फ्रेंड्स को आप वैसे भी डाउनलोड करवा सकते हो, मतलब आपका सब्सक्रिप्शन शेयर कर सकते हो, तो अगर आप एक जना लेके या 3-4 जनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आराम से, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करो। इसके अंदर कई बुक्स है जो मैं पर्सनली रेकमेंड करना चाहूंगा, उनका नाम लिख रखा मैंने। एक तो है हाउ टू से नो, नो कहना कितना जरूरी है उसकी इंपॉर्टेंस बताता है। दूसरी है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, तीसरी है श्रीमद भगवत गीता। भगवत गीता को मतलब जो इसने क्रिस्प करके इसके छोटे छोटे एपिसोड बना के डाला है, मतलब मैं अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े टाइम पहले जब मैं जिम करता था, आई यूज टू लिसन भगवत गीता एंड डू माई वर्कआउट, एंड इट वॉज लाइक मैजिकल। तो फोर्थ बुक है रिच डैड पुअर डैड, आई एम श्योर इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी काम करते हैं या फिर आपने सुन रखा, आप काम करना चाहते हैं तो इस बुक के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी एक बार आप सुने इसके अंदर। और फिफ्थ है द पावर ऑफ हैबिट, इसके अंदर आपको हैबिट जनरेट करना और हैबिट की क्या पावर्स हो सकती है ये बताया गया है। बेसिकली कुकु एफएम के अंदर ये 5 तो मैंने सिलेक्ट किए जो मैंने पर्सनली जो मुझे पसंद आई है, उसके अलावा ढेरों बुक्स ऐसी हैं जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, और कॉस्ट इसकी बहुत ही कम है, मतलब आप ये सोचो ना यार 400 रुपीज़ मतलब कहाँ अपन ऐसे खर्च करें। तो थर्ड ऐप ऐसा है जिसके बारे में भी आई एम श्योर अगर आप हो तो आपने सुन रखा होगा 20s के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं या फिर अगर किसी ने नहीं सुना है तो वापस बता दूं, इसका नाम है लिंक्डइन। दोस्तों लिंक्डइन क्यों जरूरी है, लिंक्डइन के अंदर आप अपने जितने भी आप CEOs या फिर जितनी भी कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर है जो बाहर के अंदर है, उनके CEOs मैनेजर्स HRs से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी काफी अच्छा है, गोल्ड मेंबरशिप, और बाकी अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो नॉर्मली भी आप इजीली लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और इधर आपको जेन्युइन जॉब ऑफर्स वगैरह मिलेंगी। और लिंक्डइन तो ओवरऑल ही वैसे ही आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे आपने कुछ भी आप एक अपना सीवी बिल्ड करना चाहते हैं, आप एक ऐसा देखो नॉर्मली क्या होता है अपन सीवी तो बना लेते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जिसके अंदर आप अकाउंट बनाओ, और कोई भी अगर सपोज मैं आपका इंटरव्यूअर हूँ और मैं एक आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तो सीवी तो चलो ठीक है एक टिपिकल तरीका हो ही गया, लेकिन दूसरा एक तरीका जो आपके बारे में सब कुछ बता दे वो है एक लिंक्डइन प्रोफाइल। एक लिंक्डइन प्रोफाइल होने से ही आपको और इंटरव्यू और जो कैंडिडेट्स है उस पर एज मिल जाएगी। दूसरी बात ये, मैं जैसे आपके लिंक्डइन प्रोफाइल खोलूंगा उसके अंदर आपकी जितनी भी आपकी एजुकेशन है या फिर जो भी आपका एक इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड पोस्ट या फिर आपके लाइक्स वगैरह वो सब मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे को आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों मैंने काफी ऐसे में एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर केवल लिंक्डइन प्रोफाइल की वजह से उनका जो ऑफर है जो 30 लाख 40 लाख का हो सकता था वो करोड़ों में चला गया, मतलब लिटरली 1 to 2 crores में चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ वेल दे हैव मेंटेन्ड देयर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड हाउ वेल दे हैव डिपिक्टेड देमसेल्व्स ऑन द लिंक्डइन। तो मैं इसीलिए आपको कहूंगा कि इस ऐप के अंदर एक बार अपनी आईडी जरूर बनाएं अगर आपने अब तक नहीं बनाई है, और आई एम श्योर अगर आपने आईडी बनाई भी है तो आप उसको रेगुलरली अपडेट नहीं करते होंगे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, एक्चुअली मैं तो नहीं कर पाता, इस वजह से मैं अब चालू करूंगा कि आप लिंक्डइन को रेगुलरली मेंटेन करें। जो भी आप छोटा मोटा कुछ अचीव कर रहे हैं, जैसे आप कहीं गए आपने कहीं वोकैबुलरी या फिर कहीं पे भी आपने स्पीचेस वगैरह के अंदर कोई सर्टिफिकेट मिला या कुछ भी मिला तो वहां पर अपडेट कर दिया, तो वो आपकी प्रोफाइल बिल्ड करता है जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों ये थे वो 3 ऐप्स जो आपको 2023 में काफी हेल्पफुल रहेंगे, और मैं आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप 1 जनवरी को ये ऐप इंस्टॉल करते हो और 31 दिसंबर 2023 को अपनी ग्रोथ मेजर करोगे तो आपको एक ड्रास्टिक चेंज मिलेगा अगर आप ये 3 ऐप इंस्टॉल करके उनको यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।